नमस्कार, आप जो रहे छो हेलो सौराष्ट्र समाचार। समाचारों साथे हूं छु प्रभात मजुमदार। सब पहला नजर करी आज नी हेडलाइंस पर। राज्य अनामत पुलिस दल जूथ गोंडल खाते नवनिर्मित सेनापति कचेरी नो लोकार्पण करता माननीय राज्य कक्षाना मंत्री श्री हर्ष संघवी। राजकोट मा एम्स ना प्रेसिडेंट पद थी डॉक्टर वल्लभ कथेरिया ना अचानक राजीनामा बाद तेमनू निवेदन आव्यु सामे। राजकोट मा लोक मेला मा 100 जेटली राइड्स ना 1000 थी वधु कारीगरों ने मळशे रोजगारी। हवे जोईए समाचारो विस्तार थी। जन्माष्टमी पर्व निमित्ते योजाता राजकोटना सुप्रसिद्ध लोकमेळा ने हवे गणतरीना ज दिवसो बाकी छे। त्यारे आ भातीगढ़ लोकमेळानी तैयारीओने आखरी ओप अपाई रह्यो छे। आ मेळो योजवानो छे ते रेसकोर्स मैदानमां विविध राइड्स आवी चूकी छे। दरेक राइड्समां ओछामां ओछा 12-22 सभ्यो शामेल होय छे। 5-7 दिवसमां विविध राइड्सनी इंस्टॉलेशननी कामगीरी थाय छे। राजकोटना आ लोकमेळामां 100 जेटली नानी मोटी राइड्सना 1000 થી વધુ કારીગરો ઇન્સ્ટોલેશનના કામે લાગી ચૂક્યા છે। આ તમામને આ મેળામાં કામ અને રોજગારી મળી રહેશે। અહેવાલ દીપક રાઠોડ। મેં આશિક શેખ બોલતા હું, જિલ્લા અજમેર કા રહેને વાલા। હમ લોગ યે મોત કે કુઆ કા ફિટિંગ વિટિંગ કા કામ કરતે હૈ ઓર કરીબન 10-12 સાલ સે હમ લોગ યે રાજકોટ મે આ રહે હૈ ઓર રાજકોટ કા મેળા બહોત હી અચ્છા રહેતા હૈ और बहुत बढ़िया मेला है राजकोट का। इस पे हम ये रंग कलर पेंट इसलिए करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक हमारे मौत का कुएं के लिए देखने के लिए आवे। ये मौत के कुएं के अंदर मोटरसाइकिल और मारुति कार चलेंगी और बिल्कुल हाथ छोड़कर चलाएंगे कलाकार। मेरा नाम मोहम्मद राहत हुसैन है। मैं मुंबई से अपना 3 झूला लेके यहाँ पे आया हूँ राजकोट में जन्माष्टमी का मेला करने के लिए। अभी इसका काम चालू है, अभी कलर करवा रहा हूँ। उसके बाद इसको कलर इसलिए करा रहा हूँ कि पब्लिक को अच्छा लगे, दिखे और पब्लिक हमारे झूले पे ज़्यादा से ज़्यादा आए। और इसको पहले कलर करा के फिटिंग कराने के बाद खुद ट्रायल करता हूँ। अगर उसमें कुछ कमी होती है तो पहले मैं लोग चेक करता हूँ, फिर अगर कम्प्लीटली होती है तो चालू करता हूँ, नहीं तो फिर उसको रिपेयर करके फिर कम्प्लीट करके चालू करता हूँ। मैं तो इस लाइन में करीब 8-9 साल से हूँ, लेकिन 4 साल से राजकोट के मेला में आ रहा हूँ। मैं इतना मेला करता हूँ, सब जगह काफ़ी दूर दूर जाता हूँ घूमने के लिए, लेकिन राजकोट के इतना बड़ा मेला मैंने कभी नहीं देखा। इसीलिए मैं 4 साल से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि यहाँ का मेला हमको मिले और इनकम हो। हम लोग 22-25 लोग से आते हैं यहाँ और हमारा अच्छा इनकम भी होता है, हमारे लोगों का सबका घर परिवार भी चलता है।